में सुनते हैं। 23:6, मीठे बच्चे, यहाँ के करोड़ अरब तुम्हारे काम नहीं आने हैं, सब मिट्टी में मिल जाएगा, इसलिए तुम अब सचखंड के लिए सच्ची कमाई करो। अच्छा, प्रश्न है, किस एक बात के कारण तुम ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच माने जाते हो? ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच है, चढ़ती कला, इसलिए उनकी उतरती कला है। और वो तो पावन है ही। बाप का ज्ञान है इसलिए, उनके पास बाप का ज्ञान नहीं है, पहचान है इसलिए। हाँ, हम गॉड्स हेल्पर्स, खुदाई खिदमतगार वाला। अच्छा, देखो बाबा भी यही कह रहे हैं, हम ब्राह्मण अभी सर्व की रूहानी सेवा करते हैं, देवताएं तो क्या करते हैं? हाँ, सेवा तो करते ही नहीं है। हाँ, तो हम तो सेवा कर रहे हैं। अच्छा, वन, हम सभी आत्माओं का मिलन परमात्मा बाप से कराते हैं, ये भी तो सेवा करते। एक तो आत्माओं की सेवा करते और आत्मा का कनेक्शन जुड़वाते, ये पब्लिक सेवा देवताएं नहीं करते। वहां तो राजा रानी तथा प्रजा है, जो यहाँ का पुरुषार्थ है उसके प्रारब्ध भोगते हैं, सेवा नहीं करते। इसलिए तुम सेवाधारी ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे हो, वो सेवा नहीं करते। एक तो वैसे आत्माओं की फीलिंग्स की सेवा और कनेक्शन जुड़वाना। ओम शांति। ये किसकी सभा लगी हुई है? जीव आत्मा और परमात्मा की। जिनको शरीर है उनको कहा जाता है जीव आत्मा, वो मनुष्य होए और उन्हें परमात्मा कहते हैं। जीव आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, इसको मंगल मिलन कहा जाता है। बच्चे जानते हैं परमपिता परमात्मा को सॉरी जीव आत्मा नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि वो लोन लेते हैं, जीव आत्मा लोन नहीं लेती है, उसको लोन देना नहीं पड़ता है, तन का आधार लेते हैं। खुद आकर कहते बच्चे मुझे भी इस प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, मैं गर्भ में तो जाता ही नहीं हूं, मैं इसमें प्रवेश कर तुमको समझाता हूं। तुम जीव आत्माओं को तो अपना अपना शरीर है, मेरा अपना शरीर नहीं है। तो ये न्यारी सभा हुई ना, तुम्हारे के सबके पास व्हीकल है, मेरे पास है ही नहीं। ऐसे नहीं कि यहाँ कोई गुरु चेले व शिष्य बैठे है, नहीं, क्या है ये? परिवार है। और हो गया परिवार, और हाँ पाठशाला है, स्कूल है। तो ये स्कूल है, ऐसे नहीं कि गुरु के पीछे गद्दी मिलनी है, गद्दी की तो बात ही नहीं है। बच्चों को निश्चय है कि हमें कौन पढ़ाते हैं, बिगर निश्चय कोई भी आ नहीं सकता। जीवात्माओं का वर्ण है ब्राह्मण वर्ण, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा परमपिता परमात्मा रचना रचते हैं। तुम जानते हो हम ब्राह्मण हैं, सबसे सर्वोत्तम, देवताओं से भी उत्तम। देवताएं कोई पब्लिक सेवा नहीं करते हैं, वहां तो यथा राजा रानी तथा प्रजा है, जो अपना पुरुषार्थ किया हुआ है उस अनुसार अपनी प्रारब्ध भोगते, एंजॉयमेंट है ना, प्रारब्ध है। तो इसलिए अभी
जरूरत नहीं है ज्यादा एंजॉयमेंट की। अभी एंजॉयमेंट की जरूरत है, पार्टीज की जरूरत है। वैसे जितना आत्मा खुश श्रेष्ठ संकल्पों पे रहती है उसके लिए पार्टी है ना, और क्या चाहिए होता है। इसी को कहते पार्टी। हमने तो कभी अटेंड की नहीं है वैसे। तो बाबा कहते हैं वहां प्रलब्ध भोगते हैं, सेवा कोई नहीं करते हैं, ब्राह्मण सेवा करते हैं। बच्चे जानते हैं हम बेहद के बाप से हूबहू 5000 वर्ष पहले मुआफिक राजयुग सीख रहे हैं, हूबहू। हूबहू का मीनिंग हूबहू बोलो सुनीता बहन। मतलब क्या हूब? सेम टू सेम रिकॉर्डिंग है ना। नहीं रिकॉर्ड हो रहा है ना, जो रिकॉर्डिंग है उसमें हूबहू तो अंडरस्टूड है। तो हूबहू सीख रहे हैं 5000 पहले मुआफिक। तुम बच्चे ठहरे, यहां चेले चाटी की बात नहीं है। बाप घड़ी घड़ी बच्चे बच्चे कहकर समझाते, तुम अभी आत्माभिमानी बने हो, आत्मा विनाशी है, शरीर विनाशी है। शरीर को कपड़ा कहा जाता है, ये मूतपलीती कपड़ा है, क्योंकि आत्मा आसुरी मत पर विकारों में जाती है, पतित बनती है। पावन और पतित अक्षर निकलता ही है विकार से। बाप कहते हैं अब ज्यादा पतित मत बनो, अभी सब रावण की जंजीरों में फंसे हुए हैं, क्योंकि यह है रावण राज्य। तो बाप तुम्हें तो ज्यादा पतित मतलब क्या, थोड़ा अलाउड है, कुछ रिलैक्सेशन है। हाँ जब जहां तक तो हो गया फिनिश। नहीं बहुत कम ज्यादा नहीं है। तो अभी सब रावण की जंजीरों में फंसे हुए हैं, क्योंकि यह है रावण राज्य। तो बाप तुम्हें रावण राज्य से लिबरेट कर राम राज्य में ले जाते हैं। गॉड फादर इज लिबरेटर। कहते मैं सबको दुख से छुड़ाए वापस शांति धाम में ले जाता हूं, वहां जाकर फिर नए सिर आए बच्चों को अपना पाठ रिपीट करना है। नए सिर पाठ रिपीट करना है मतलब हमारा पूरा सत्युग का पाठ फिर शुरू होगा। कितना मतलब रिलीफ वाला ये कंसेप्ट है अगर देखा जाए कि पाठ मेरे में वो शुरू होगा। तो अभी है कि नहीं वो पाठ, अभी वाले में भी पाठ है कि नहीं मेरे सीढ़ी में है? नेचुरल है ना, अभी वैसे प्ले नहीं कर रही हूं ना। तो पाठ है, तो इसलिए पवित्र बनना मुश्किल है। बोलो कैसे विनोद भाई? हाँ जब थे पाठ था फिर बनना क्या मुश्किल है। इसी कंसेप्ट से बाबा ने प्योरिटी को इजी कर दिया ना। कितना बड़ा एक कंसेप्ट दुनिया के लिए इजी कर दिया। तो पहले पहले ये रिपीट करना है, पाठ रिपीट करना है देवताओं को। वही पहले थे, अब गोया ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। कलयुग का विनाश सामने खड़ा है, बड़े अंधेरे में पड़े हैं। भल पदम पति करोड़पति हो गए हैं, रावण का बड़ा पॉम्प है, इसमें ही ललचायमान हो गए हैं। बाप समझाते हैं बच्चे ये झूठी कमाई है, जो सारी मिट्टी में मिल जाएगी, जो जो यूज किया वो तो गया, उनको हासिल कुछ भी नहीं होना है। तुम तो भविष्य 21 जन्मों के लिए बाप से वर्षा लेने आए हो,
यह है सच खंड के लिए सच्ची कमाई। झूठी कमाई भी करनी है तो तरीके यूज करते हैं ना, एक ही बिजनेस पे थोड़ी स्टॉप हो जाते हैं, इधर भी इन्वेस्ट करेंगे इधर भी, साइमल्टेनियसली कितने चलते हैं? नहीं चलते, क्योंकि तरीके यूज करते हैं। तो सच्ची कमाई के भी तरीके सोचो क्या क्या तरीके हो सकते। तो यह है सचखंड के लिए सच्ची कमाई, और ये 21 जन्म चलनी है, वो एक जन्म भी पता नहीं है, शरीर छूटा गया मिट्टी में गया। तो 21 जन्म चलनी है और सच्ची कमाई, और कमाई है तो तरीके सोचो, कैसे तरीके सोचे अभी, क्या तरीके सोचे कमाई का भी। अमृत वेला किया, हुई कमाई, एक एक कदम सेंटर पे मुरली सुनने आए तो वो कमाई हुई, तीर्थ यात्रा शुरू की, मुरली सुनी, हुई कमाई, और बाकी फिर पूरे दिन पुरुषार्थ किया। तो बाबा कहते और सेवा की, हाँ सेवा भी कमाई है। तुम तो भविष्य 21 जन्मों के लिए बाप से वर्षा लेने आए हो, सबको वापस जाना ही है, सबकी वान प्रस्त अवस्था है। बाप कहते सबका सदगति दाता सदगुरु मैं हूं, साधुओं का पतितों का सबका उद्धार मैं करता हूं। छोटे बच्चों को भी सिखाया जाता है शिव बाबा को याद करो, बाकी और सब चित्र आदि उड़ा दो, एक चित्र रखो शिव बाबा को याद करो, झाड़ गोला रखे नहीं रखे कहते उड़ा दो। आज बाबा को नशा चढ़ा है, बच्चे बस ये जरूरी है, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। तुम जानते हो हम बाप से फिर से बेहद सुख का वर्षा लेने आए हैं, हद के बाप से हद का वर्षा तो जन्म जन्मांतर मिला है, लिया है। रावण रावण की आसुरी मत पर पतित बनते आए हैं, मनुष्य इन बातों को समझते ही नहीं है, रावण को जलाते हैं तो जलकर खत्म हो जाना चाहिए ना, मनुष्य को जलाते हैं तो उनका नाम रूप सब खत्म हो जाता है। बार बार कोई डेड बॉडी को जलाया थोड़ी जाता है, है भी नहीं। हाँ जला रहे इसका मतलब क्या है, रावण को वर्ष वर्ष जला रहे हैं, या तो डेथ सेरेमनी मनाते जाए जैसे बाकियों की मनाते वो ठीक है, लिटरली वो जलाया जा रहा है, इससे भी क्या प्रूड हो गए। हाँ मतलब ऑलवेज वो मरता रहता है ना, तो मरा ही नहीं है ना इसका मतलब, कितना क्लियर हो गया। कोई भी ऐसा नहीं होगा, मतलब दुर्योधन दुशासन या और भी जितने भी वो क्या बोलते वो कौन था जर्मन वाला हिटलर, और वो जलाया थोड़ी जाता है बार बार हर साल, कितना भी खराब हुआ हो औरंगजेब तो फिर फटाके क्यों जलाए थे पर दशहरे के दिन। तो मतलब गया ही नहीं ना, मर जिंदा क्या होना है, गया ही नहीं जिंदा तो नहीं, मारा ही कहां था। मतलब ये क्लियर है कि जिंदा ही है, वो तो हो गया, उसके बाद भी तो पूरा जला देते हैं ना। बाबा कहते हैं तो नाम रावण का तो नाम रूप तो गुम होता ही नहीं, फिर जलाते रहते हैं। बाप कहते हैं ये पांच विकार रूपी रावण तुम्हारा 63 जन्मों का दुश्मन है, एक जन्म का नहीं,
किसी के साथ कुछ अनबन हो जाती है, एक महीना बात नहीं करते तो भी अंदर कितने खटास चलती है। ये 63 जन्म का दुश्मन है। और फिर कहते हैं नेचुरल है, एंगर नेचुरल है, ईर्षा नेचुरल है। दुश्मन को नेचुरल बोलते हैं क्या कभी? भारत का दुश्मन माना हमारा दुश्मन हुआ। जब वाम मार्ग में आए तब रावण की जेल में पड़े, बरोबर आधा कल्प से रावण राज्य। रावण जलता ही नहीं है, मरता ही नहीं। अभी तुम जानते हो रावण के राज्य में हम बहुत दुखी हुए। दुख और सुख का ये खेल है, गाया भी जाता है माया से हारे हार, माया से जीते जीत। अब माया को जीत कर हम फिर राम राज्य लेते हैं। राम सीता का राज्य तो त्रेता में है, सत्युग में है लक्ष्मी नारायण का राज्य। वहां तो है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म, उनको ईश्वरीय राज्य कहेंगे जो बाप ने स्थापन किया। बाप को कभी सर्वव्यापी नहीं कह सकते, ब्रदरहुड है ना, सर्वव्यापी नहीं कह सकते, बाप एक है। तुम सब आपस में भाई भाई हो, बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। बाप का फरमान है कि मुझे याद करो, मैं आया हूं भक्ति का फल देने। अच्छा किसको देता हूं? हाँ किसको? और क्लियर करो, 80% राइट है। हाँ, जिन्होंने शुरू से लेकर अंत तक भक्ति की है उनको मैं भक्ति का फल देने आया हूं। देखो कौन है अपना बाबा, ब्रह्मा बाबा का अंत तक भक्ति शुरू से लेकर, तो इस लास्ट जन्म में भी जिनकी भक्ति रही वो भी फिर अच्छा काउंटेड है, फिर इस स्टेटस अच्छा होगा ना फिर इसका मतलब जिनका शुरू से, ठीक है, मौज है। फिर अभी लास्ट जन्म में भी एक है भक्ति की है, एक है अच्छी भक्ति की है। कोई है ऐसे अच्छी भक्ति की है लास्ट जन्म में? नहीं है कोई? हाँ हाँ, मतलब वो अगरबत्ती जलाना और घंटी बजाना वो वाला नहीं है, वो भक्ति, वो तो रिचुअल है, भक्ति नहीं है। रिचुअल इज अलग, भक्ति इज अलग। हाँ ये है, ठीक है। आज देखो आप लोगों की बात है, ठीक है राजू बहन, लास्ट जन्म तक जिन्होंने भक्ति बहुत की, तो जिन्होंने शुरू से लेकर अंत तक भक्ति की है, किसके लिए? बाबा ने कहा मैं आया हूं भक्ति का फल देने। देखो कितना फायदा, कितना रिगार्ड है भक्ति का। लोग कहते आप लोग भक्ति को काट करते हो, हम लोग तो कितना रिगार्ड, उनको सबसे ज्यादा फायदा है अभी भी जो किया है। तो पहले पहले तुम एक शिव बाबा की भक्ति करते हो, सोमनाथ का मंदिर कितना जबरदस्त है, विचार करना चाहिए सोमनाथ का मंदिर देख के, हम कितने साहूकार थे, अभी गरीब कौड़ी मिसल बन गए हैं। एक पैंडल हीरा का पहनते हैं, जबकि पूरा मंदिर बनाया था हम लोगों ने हीरो का, मंदिर ही हीरो का था, पहनने की तो बात ही अलग है। अभी तुमको 84 जन्मों की स्मृति आई है, अभी तुम जानते हो हम क्या से क्या बन गए। अभी तुमको स्मृति आई है, स्मृतिर लब्ध्वा अक्षर भी अभी का है। किसके साथ है मालूम है? गीता वाला, नष्ट मोह स्मृतिर लब्ध्वा। इसका मतलब यह नहीं समझना चाहिए कि भगवान ने आकर संस्कृत में गीता सुनाई है। संस्कृत होती तो वापस, आज बाबा कह रहे उस दिन कहा था ना, तो तुम बच्चे कुछ समझते ही नहीं, थोड़ा सा वॉल्यूम ऊपर नीचे होता है तो लीव कर देते हैं क्यों समझ में नहीं आता है, ठीक है ना? ऑनलाइन में ऐसा होता है ना,
समझ में नहीं आता, बहुत मतलब बहुत निश्चय बुद्धि चाहिए जो कंटिन्यूस फिर भी बैठ देखते रहते हैं, नहीं तो नहीं समझ में आता। संस्कृत होता तो पूरा खाली होता। ओम शांति भवन भी तो बाबा कहते हैं हिंदी भाषा ही मुख्य है, जो इस ब्रह्मा की भाषा है उस भाषा में ही समझा रहे हैं। कल्प कल्प इसी ही भाषा में समझाते हैं। तुम जानते हो बाप दादा के सामने बैठे है, यह घर है, मम्मा बाबा बहन भाई, बस और कोई संबंध ही नहीं। भाई बहन का संबंध तब है जब प्रजापिता ब्रह्मा के बने हो, नहीं तो आत्मा के संबंध से तो भाई भाई है, बाप से वर्षा मिल रहा है। आत्मा जानती है हमारा बाबा आया हुआ है, परम धाम के कनेक्शन में तो सिर्फ भाई भाई का संबंध है ना। तुम ब्रह्मांड के मालिक हो, मालिक थे, अच्छा बाप भी ब्रह्मांड का मालिक है ना। जैसे आत्मा निराकार है वैसे परमात्मा भी निराकार है, नामी है परम पिता परमात्मा, अर्थात परे ते परे रहने वाला परम पिता परमात्मा, तो अर्थात परे ते परे रहने वाला। परम दो मीनिंग है परम का, एक है सुप्रीम, एक है परे ते परे रहने वाला बियॉन्ड। परमात्मा का अर्थ है परमात्मा, पिता से वर्षा मिलता है ना, नाम ही है परम पिता परमात्मा। यहां कोई साधु संत महात्मा नहीं है, बच्चे हैं, बाप से बेहद का वर्षा ले रहा है ले रहे, और कोई वर्षा दे ना सके। बाप है सत्यु की स्थापना करने वाला, बाप सदैव सुखी देते हैं, ऐसे नहीं कि सुख दुख बाप ही देते। ये क्लियर है ना सुलभा बन, सुख देते हैं ना, सुख दुख देते हैं, हाँ दुख नहीं देते। ऐसा लॉ ही नहीं है, सुख भी दे दुख भी दे, पर वैसे दुख देते हैं पनिशमेंट, दुख नहीं देते। मतलब लॉ जज है ना, तो जो आत्माओं का हिसाब किताब है वो चुप तो होता है। बाप स्वयं बताते, मैं तुम बच्चों को पुरुषार्थ कराता हूं, 21 जन्मों के लिए सो देवता बनो तो सुखदाता हुआ ना, दुख हरता सुख करता। अभी तुम जानते हो दुख कौन देता है, रावण। इसको कहा जाता है विकारी दुनिया, स्त्री पुरुष दोनों विकारी है, और सत्युग में दोनों निर्विकारी थे। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, वहां कायदे से राज्य चलता है, प्रकृति तुम्हारे ऑर्डर में चलती है, वहां कोई उपद्रव हो ही नहीं सकता। देखो प्रकृति भी इतनी ऑर्डर में चले, जब बरसात चाहिए या जब होनी चाहिए, ऑर्डर किसे कहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर डिसिप्लिन, जो चीज जहां जब होनी चाहिए शोभा है उस समय होती है, और जितनी होनी है जो और जितना और जब। तो प्रकृति भी तुम्हारे ऑर्डर में चलती है, वहां कोई उपद्रव हो नहीं सकता। तुम बच्चों ने स्थापना के साक्षात्कार किए हैं, विनाश भी होना है जरूर। अच्छा होलिका में सांग बनाते हैं ना, पूछते हैं इनके पेट से क्या निकलेगा, तो कहा मूसल। होलिका में आजकल भी करते हैं, हाँ करते होंगे कहीं गांव में, हाँ मतलब एक्चुअली वैसे भी होली में लोग सांग स्वांग नहीं बनाते, अलग अलग वो चेहरा मुखौटा पहन के
हाँ वो फिर वो कलर्स तो होते ही है ऊपर नीचे ऐसे ऐसे, भाई को बहन बनाते ऐसे करते हैं गांव में सांग। तो फिर पूछा, पूछते हैं तो ऐसे करते होंगे कहीं किस जगह। राइट बात तो तुम जानते हो ना, साइंस उनों की कितनी तेज है, बुद्धि का काम है ना। अच्छा साइंस का कितना घमंड है, कितनी चीजें एरोप्लेन आदि बनाते हैं सुख के लिए, फिर इन चीजों से विनाश भी करेंगे, पिछाड़ी में अपने कुल का ही विनाश करेंगे। तुम तो हुई गुप्त, तुम कोई से लड़ाई लड़ने वाले नहीं हो, किसको दुख नहीं देते हो। बाबा कहते हैं मनसा, देखो हम भी और वैसे भी भारत का ये स्टाइल रहा है ना, कभी भी आक्रमण नहीं किया किसी के ऊपर भी। तो तुम कोई से लड़ाई लड़ने वाले नहीं हो, दुख भी नहीं देते हो। अच्छा बाबा कहते मनसा वाचा करुणा, बच्चे कोई को दुख नहीं देना है। बाप कभी किसको दुख देते हैं क्या? सुखधाम का मालिक बनाते तो क्या था इस बार, न दुख दो। एक्चुअली दुख नहीं लेने में, दुख लेने में ये हाँ पुरुषार्थ करना है, मतलब इन परिस्थिति का इंटरप्रिटेशन का पुरुषार्थ है और कुछ नहीं। कैसे हम उसको इंटरप्रेट करते हैं, वो दुख लेते, अगर उसने ऐसा किया उसको उस तरह से इंटरप्रेट करेंगे तो दुख लेते, नहीं तो सुख लेते। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम भी सबको सुख दो। बाबा ने समझाया है, अच्छा कोई कुछ भी कहे क्या करो, कोई रॉन्ग कहता है ये वो ऐसी ऐसी बातें, शांत में हर्षित मुख रहना चाहिए, योग में रह मुस्कुराते रहना चाहिए, तुम्हारे योग बल से वह भी शांत हो जाएंगे। शांति में बहुत बड़े बड़े सॉल्यूशंस लोगों के ऑटोमेटिक मिल जाते, हमारी अपनी शांति। चलो मुझे आंसर नहीं आता है, क्वेश्चन पूछा, पर वो शांति की फीलिंग वाइब्रेशन, या नहीं भी आता इसकी एडमिशन कि मुझे नहीं आता है, एकदम शांति से, इससे भी प्रभाव पड़ता है। तो जब नए नए होते हैं ना, तो जो कोर्स वाले कुछ ऐसे वैसे होते हैं, फिर उनका ईगो भी होता है बहन बहनों के सामने, थोड़ा छोटी बहनें जूनियर्स दिखती है तो, लेकिन केवल शांत रहते थे तो मतलब वही, क्योंकि वो तो बिल्कुल शांत नहीं रह सकते, ईगो वाला शांत थोड़ी हो सकता है, बात ये वो, तो वो शांति ही उनको एडमिट कर मतलब निश्चय करा दिया, बाबा के बच्चे बन गए शांति के कारण। इसलिए बाबा कहते हैं योग में रह मुस्कुराते रहना चाहिए, और कुछ नहीं आता है ना आंसर, तुम्हारे योग बल से वह भी शांत हो जाएंगे। अच्छा खास करके टीचर की चलन बड़ी अच्छी चाहिए, कोई से भी घृणा न रहे। बाप कहते मुझे थोड़ी किसी से घृणा है, जानते सब पतित है, ये ड्रामा बना हुआ है, जानता हूं इनकी चलनी ऐसी है, खान पान कितना मलेच्छ का है, सपोज पता चलता है ये इतना पुराना बच्चा बाबा का और अभी तक खान पान, तो हो सकता है ना थोड़ा घृणा आ जाए। तो बाबा कहते बाबा को थोड़ी किसी से घृणा है, जानता हूं इनकी चलन ऐसी है, खान पान कितना मलेच्छ का है, जो आता है वह खाते रहते हैं, लाइफ सबको प्यारी लगती है, लाइफ हमको भी बहुत प्यारी लगती है,
जानते इससे हमको बाबा से वर्षा पाना है। योग में रहने से तुम्हारी आयु बढ़ेगी, विक्रम कम होंगे, भविष्य 21 जन्मों के लिए आयु बड़ी हो जाएगी। पुरुषार्थ अभी का है जिससे फिर प्रारब्ध बनती है। योग बल से हम हेल्दी बनते हैं, ज्ञान से वेल्दी, और योग से हेल्दी और हैप्पी किससे? सेवा से। सेवा करेंगे खुशी मिलेगी। हाँ, सेवा मतलब सेवा भाव, वो सेवा भावना से खुशी मिलती। तो हेल्थ वेल्थ है तो सुख भी है। सिर्फ वेल्थ है, हेल्थ नहीं तो भी सुख नहीं रह सकता। ऐसे बहुत राजा है, बड़े बड़े साहूकार है, परंतु लंगड़े बीमार। उनको कहा जाता है ऐसे विक्रम किए जिसका फल मिला है। वेल्थ है पूरा पर हेल्थ ही नहीं है। हेल्थ भी बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है, बल्कि वो प्रॉपर्टी को एंजॉय करने के लिए भी तो प्रॉपर्टी चाहिए, हेल्थ की प्रॉपर्टी। तो ऐसे बहुत राजाए हैं, बाप तुमको सुनाते तो बहुत है, ऐसे नहीं, कितनी सारी पॉइंट सुनाई, हेल्थ वेल्थ सुनाया, और क्या सुनाया, रावण है ना, कितनी सारी पॉइंट सुनाई। अब सुनो बाबा क्या कह रहे, ऐसे नहीं, बाहर जाने से यहां का यहां रह गया, याद है पॉइंट, सबको पॉइंट याद है, सब सुन रहे हैं राज भाई, क्या क्या पॉइंट है, दो पेज खत्म हो रहे हैं गिरी। हाँ, सच्ची भक्ति के बारे में बोला और स्मृति लब्धवा, हाँ शांत रहना चाहिए, हाँ हर्षित मुख रहना है, शांत रहना, मनचित वो ब्लूटूथ चालू करो दीदी, मनचित के बारे में बोला, घृणा नहीं करना। तो बाबा कह रहे हैं बाप तुमको सुनाते बहुत है, ऐसा नहीं बाहर जाने से यहाँ का यहाँ रह जाए, यह तो नहीं होना चाहिए ना, धारणा करनी है और कुछ याद न पड़े। अच्छा शिव बाबा को याद करो, और कुछ अंदर बड़ी गुप्त महिमा करनी है बाबा, ये मन चित्त में भी नहीं था, ख्यालों ख्वाबों में भी नहीं था, क्या हाँ आप आकर पढ़ाएंगे, दिख जाए ये आश करी थी, बस थोड़ा सी झलक दिख जाए, तुम आकर मेरे से बात करो, बाजू में बैठ के पढ़ाओ, अंदर बड़ी गुप्त महिमा करनी है। ये बातें शास्त्रों में भी नहीं है कि निराकार परमपिता परमात्मा आकर पढ़ाते, पढ़ाना ट्रेनिंग देना, कुछ ज्ञान सुनाना ठीक है, पढ़ाना, ज्ञान सुनाना और पढ़ाने में क्या फर्क है? कथा सुनाई, स्टोरी एक्सप्लेनेशन, ज्ञान में एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। ट्रेनिंग है ना, ट्रेनिंग में लिंक क्या है, उसका प्रूफ क्या है, फिर उसको कैसे करना है, फिर बार बार याद दिलाना, बच्चे शांत रहना, कितनी बार बोला होगा, हाँ माफ भी, मतलब ये सब है पढ़ाना बाबा। अब हम जान गए बाप के बदले कृष्ण का नाम डालने से गीता खंडन हो गई, कृष्ण के तो चरित्र हो न सके, गीता है संगम का शास्त्र, उन्होंने फिर द्वापर में दिखा दिया,
तो बाप कहते हैं कि बच्चे और सब बातों को छोड़, पढ़ाई पर ध्यान रखना है। वैसे भी पढ़ाई के पीरियड में क्या बोला जाता है बच्चों को, अब छोड़ो ना तुम ये बातों को, तुमको क्या करना है, वो परिवार की बात भी चल रही होती है ना या प्रॉपर्टी की, तुम तुम्हारा पढ़ाई करो। तो और सब बातों को छोड़ो, पढ़ाई पर ध्यान रखो, बाप की याद न रहे, पढ़ाई में मस्त न रहे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। मुख्य है याद और पढ़ाई, ये है। मैं हमेशा बहनों को कहती हूँ, अमृत वेला मिस किया, मुरली मिस की, और पूरे दिन सेवा में एक्टिव रहे तो टाल टालियों को पकड़ा है, वो तो जड़ को तो पकड़ा नहीं है, फिर क्या होगा, एक हवा का झोंका आया गिर गए, कोई किसी ने कुछ इतना सा कर दिया, स्थिति खराब। क्यों ना अमृत वेला, न एक दो दिन ठीक है, लेकिन अगर ये कंटिन्यूसली होता जाए बहुत बड़ा रिस्की है। इसलिए बाबा कहते हैं याद और पढ़ाई में मस्त रहे, ये जड़ को पकड़ना बहुत जरूरी है, तुम्हारा टाइम मोस्ट वैल्यूबल है, इसलिए बच्चे वेस्ट नहीं करना चाहिए। शरीर निर्वाह भल करो, झूठी कमाई करने करो शरीर निर्वाह, बाकी फालतू ख्यालातों में टाइम नहीं गवाना चाहिए। तुम्हारा सेकंड बाय सेकंड हीरे जैसा वैल्यूबल है। बाप कहते मन मना भव, बस वही टाइम फायदे वाला है, बाकी टाइम वेस्ट जाता है। अच्छा चार्ट रखो, सब समझा दिया ना, अब चार्ट रखो, क्या रखना है, हम कितना समय वेस्ट करवाते। वैसे देखो ये कितना अच्छा हुआ कार्ड के कारण, चार्ट हो गया ना पूरे दिन का, नहीं बाबा की कितनी बड़ी श्रीमत पेंडिंग श्रीमत फॉलो हो गई ऑटोमेटिक, नहीं तो वो गिल्ट लगता था, कभी नहीं लिखते थे ना, बुक बनाई थी लेकिन कई बार हफ्ते मिस भी हो जाता था, तो गिल्ट भी लगता था कि लिखा ही नहीं, चार्ट ही नहीं किया, अब देखो रोज हो रहा है चार्ट। अच्छा लगता है ना कि चलो जीरो मार्क्स मिले नो प्रॉब्लम, पर चार्ट तो लिखा, ये तो हुआ। चार्ट रखो कि हम कितना समय, सभी कर रहे हैं चार्ट ऑनलाइन, कितनों का आया नंबर्स टोटल ऑनलाइन में, 17-17 के आए, 17 आए, और अभी ऑफलाइन हाथ उठाए जो कार्ड्स, क्योंकि मैं जितना रखती हूँ उस हिसाब से कुछ भी बच जाते हैं। कार्ड लिखने वाले 1-2 फटाफट क्यों हाथ नहीं उठा रहे। नहीं कार्ड लिखते हैं 1-2-3-4-5 क्या हुआ 6-7-8-9-10-11-12-13-14 प्रदीप भाई 14 हाँ हाँ और भी पूरे दिन में आएंगे ऑफलाइन के कार्ड्स। तो बाबा कहते हैं चार्ट लिखो, देखो ये हमने बाबा की श्रीमत को फॉलो किया, और है क्या, दो तो स्टेटमेंट है, कोई मेहनत थोड़ी है ज्यादा, कितना टाइम लगता है लिखने को हाँ? मतलब वैसे देखा जाए तो है ही क्या लिखने के लिए, जीरो ही लिख दो। हाँ तो जीरो लिख दो ना, जीरो लिख दो ना, हाँ इतना तो पता चला नहीं किया। जीरो मतलब फील तो होगा ना कि भाई नहीं किया, हाँ हाँ ये तो लिखो, जीरो लिखो, हम जितना मर्जी कार्ड्स छपा देंगे लिखो तो सही। चलो अब तो टाइम खत्म हो रहा है, आज लास्ट है, जो फॉलो किया तो फॉलो किया, पर मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि चलो मैं रोज बाबा को चार्ट तो देती हूँ, कम मार्क्स सही ज्यादा मार्क्स सही कुछ भी हो जाए,
तो अक्षर ए चार्ट रखो, अक्षर ही एक है मन मनाभव, आधा कल्प जीवन मुक्ति थी, फिर आधा कल्प जीवन बंध में आए, सतो प्रधान सतो रजो तमो में आए, फिर हम जीवन मुक्त बन रहे हैं। बनाने वाला बाप ही है, सबको जीवन मुक्ति मिलती है। अपने अपने धर्म अनुसार पहले पहले सुख देखेंगे फिर दुख, ये क्लियर है? अपने अपने धर्म अनुसार कैसे? पहले सुख देखेंगे फिर दुख, वो तो एक स्टाइल होगा ही ना सबका। समझ में आया? बोलो। विवेक भाई क्लियर हुआ? नहीं। सुनीता बहन क्या बोलो? पहले पहले सुख देखेंगे फिर दुख। दीदी मैं बोलूं? दीदी मैं बोलूं? हाँ बोलो बोलो। जब पहले ब्राह्मण बच्चा बना, बोला कहाँ जा रहे हो, क्या मुरली सुनोगे, कहाँ ब्रह्म कुमारी में जाओगे, हर बनाने सबको जीवन मुक्ति मिलती है, सतो प्रधान सतो रजो तमो में आए, फिर हम जीवन मुक्त बन रहे हैं। अपने अपने धर्म अनुसार, ये हर आत्मा की बात है, पहले पहले सुख देखेंगे फिर दुख। हर आत्मा पहले जब भी आएगी इस संसार में, उसकी सतो प्रधान अवस्था होगी, उस समय वो तो सुखी भोगेगी ना, बाद में धीरे धीरे तमो प्रधान अवस्था होती तो दुख। तो क्लियर हुआ राज भाई? ये मीनिंग है, जो भी धर्म है, इस्लाम है वो है या जब भी आए, तो नई आत्मा जो पहले आती है वो सुख भोगती है। कोई की महिमा निकलती है क्योंकि कई है, उसकी महिमा बहुत है उस आत्मा की, मतलब बहुत बिजनेस फ्लरिश कर रहा है, बहुत नाम है, मतलब अच्छा सतो प्रधान। ये भी नहीं कि कोई बहुत धनवान है मतलब ये पहली आत्मा है। जिसका सतो प्रधान स्टेज है तो उसमें भक्ति का अच्छा रहेगा, जैसे नए नए महात्मा है ये सब आए, योगा गुरु, इनकी फॉलोइंग मिलेगी, उनको फॉलोइंग मिलेगी उन आत्माओं का, तो वो सुख है। तो अपने अपने धर्म अनुसार पहले पहले सुख देखेंगे क्योंकि नई आत्मा है, क्योंकि कोई की महिमा निकलती क्योंकि नई सोल होने के कारण ताकत रहती है तुम्हारे अंदर, खुशी तुम्हारे तो अंदर खुशी के बाजे बजने चाहिए। क्यों बाजे बजने चाहिए? बोलो बोलो सुनीता मोदी बहन, बाजे बजने चाहिए। हाँ, बाप दादा के सामने बैठे, अब नई रचना हो रही है, तुम्हारी इस समय की महिमा सत्युग से भी बड़ी है। जगतम्बा देविया सब संगम में थी, ब्राह्मण थे, तुम जानते हो अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता पूजनीय लायक बनेंगे, फिर तुम्हारे यादगार मंदिर बन जाते हैं, तुम चैतन्य देविया बनती हो, वो तो है जड़, उनसे पूछो ये देवी कैसे बनो, कैसे बनी ये देवी, कैसे बनी? अब ये बोले पूछने की बात है, अगर कोई बात करे तो समझाओ। वैसे मुझे याद है जब भी हम किसी सेंट का, मैं पहले सुनते भी थे किसी देवियों का डिवाइन पावर्स को, तो हमको ये फीलिंग इमीडिएटली आती, काश ये मेरे में होता, तो ऐसे नहीं कि सिर्फ महिमा कर ली, ये लगता था कि ये अगर मेरे में होता, या किसी का दर्द कभी अभी भी सुन लेते हैं लेकिन वो आत्मा तक अगर नहीं पहुंच पाते तो यही लगता कि वो डिवाइन पावर्स अगर मेरे में होते तो कितना अच्छा। तो ये है महिमा करने वाला, वो क्या है, महिमा कर लो। तो बाबा कहते हैं कि ये देवी कैसे बनी, उनसे पूछो कि ये देवी कैसे बनी, अगर कोई बात करे तो समझाओ कि हम सो ब्राह्मण थे, फिर
हम सो देवता बनते हैं। तुम चैतन्य में हो, तुम बतलाते हो कि ये नॉलेज कितनी फर्स्ट क्लास है, बरोबर तुम स्थापना कर रहे हो। बच्चे कहते बाबा हम लक्ष्मी नारायण से, बताओ क्या बोलते हैं? नहीं, 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 अच्छी बात बोल रहे हैं, डैश 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 नहीं बोल रहे ना, पहले उसके पहले, बरोबर तुम स्थापना कर रहे हो। बच्चे कहते बाबा हम लक्ष्मी नारायण से डैश डैश नहीं लेंगे। कम पद नहीं लेंगे, लक्ष्मी नारायण से छोटा स्टेटस नहीं लेंगे, ये फरिश्ता फैमिली कह रही है। ठीक है, एट है, चॉइस है, अभी सिर्फ दो फुल है, अभी एट और है। अभी तो शूद्र से ब्राह्मण बने हो, फिर ब्राह्मण से देवता बनेंगे, मूल बात है ही याद की। याद करो बाबा, ये आपका ही कितना किया ना इस बार हमने, ये आपका ये आपका ये आपका ये आप, अब तो मेंटालिटी हो गई पूरा, जैसे पूरा क्लियर ही हो गया। तो याद करो ये बाबा, ये बाबा का है, बाबा का है, इसमें ही खुश है, मार्क्स मिल जाएंगे उसी के। याद में ही माया विघ्न डालती है, तुम बहुत कोशिश करेंगे फिर भी बुद्धि कहां न कहां चली जाएगी, फिर क्या करना है? वंदना बहन बताएगी क्या करना है, बुद्ध तुम याद करेंगे फिर बुद्धि कहीं चली जाएगी, फिर क्या करना है? हाँ, फिर खींच के लाना है, फिर जाएगी, फिर खींच के लाना है, इसमें ही सारी मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते बाबा, प्यारा शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। अच्छा, सबसे पहले धारणा का मुख्य सार है, बाप समान सुखदाता बनना है, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना है, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना है। सदा शांत चित और हर्षित मुख रहना है, सदा शांत चित और हर्षित मुख रहना है। दूसरा है, फालतू ख्यालातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है, फालतू ख्यालातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है, बाप की अंदर से महिमा करनी है। अच्छा, वरदान है, श्रेष्ठ मत प्रमाण, हर कर्म कर्म योगी बन करने वाले, कर्म बंधन मुक्त भव। श्रेष्ठ मत प्रमाण, हर कर्म कर्म योगी बन करने वाले, कर्म बंधन मुक्त भव। जो बच्चे श्रेष्ठ मत प्रमाण, हर कर्म करते हुए बेहद के रूहानी नशे में रहते हैं, वह कर्म करते कर्म के बंधन में नहीं आते हैं, न्यारे और प्यारे रहते हैं। कर्म योगी बनकर कर्म करने से उनके पास दुख की लहर नहीं आ सकती। इसको स्लाइड शो करो ना तो अच्छा रहेगा, करंट में स्लाइड शो करके
करंट कर दो, प्यारे रहते हैं। कोई भी कर्म का बंधन उन्हें अपनी ओर खींच नहीं सकता, सदा मालिक होकर कर्म करते हैं, कर्म कराते हैं, इसलिए बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव होता है। ऐसी आत्मा स्वयं भी सदा खुश रहती है और दूसरों को भी खुशी देती है। कर्म योगी की स्टेज, ये कर्म योगी स्टेज और एक है कर्मातीत स्टेज। कर्मातीत स्टेज तो हमने देखा उस दिन, कर्म योगी स्टेज, कर्म करने के करते हुए न्यारे, कर्म का बंधन उन्हें खींच नहीं सकता। एक्चुअली कर्म योगी से ही कर्मातीत होगी, संपूर्ण कर्मातीत। कोई भी कर्म हुआ मेरा उसका, वैसे कर्म का बंधन क्या है, फल ही है, कर्म भी है। हाँ, ये मुझे करना है, मुझे करना है, फिर मैंने किया, फिर बहुत हेक्टिक रहा, ये भी एक बंधन है कर्म का बंधन। अगर कर्म में लाइटनेस नहीं है तो कर्म योगी नहीं है, ठीक है। कर्म में लाइटनेस चाहिए तो ये कर्म बंधन, इसलिए बंधन मुक्त स्थिति। ओके, स्लोगन है, अनुभवों की अथॉरिटी बनो तो कभी धोखा नहीं खाएंगे। अनुभवों की अथॉरिटी बनो तो कभी धोखा नहीं खाएंगे। हर बात के अनुभवी बनो। एक्चुअली कोई बात में आश्चर्य होना ये भी धोखा खाना है, सॉर्ट ऑफ। एक जुलाई 1974 की बाबा की मुरली है कि अगर इतना सा भी डाउट क्वेश्चन मार्क आया, अच्छा एक्सक्लेमेशन आया, मतलब पास नहीं। इतनी नथिंग न्यू की स्टेज, ओनली नथिंग न्यू तो पास स्टेज। अच्छा, आज का अव्यक्त इशारा, आज कौन सा है, 23। सदा सर्वशक्तिवान बाप के संग में रहो तो कभी मुरझाएंगे नहीं। कनेक्शन ठीक हो तो ऑटोमेटिकली सर्व शक्तियों की करंट आएगी। जब सर्व शक्तियां मिलती रहेगी तो सदा हर्षित रहेंगे, गम खत्म हो जाएगा। संगम का समय है खुशियों का। अगर ऐसे समय पर कोई गम करे तो बुरा लगेगा ना, इसलिए परखने की शक्ति धारण कर गम व दुख की दुनिया से किनारा कर लो। परखने की शक्ति, कितनी बार बैगरी पाठ में एक बार बाबा विश्वरतन भाई दादा को पूछते कितने पैसे जेब में, तो बोला 1 रुपया। सुबह पूरे यज्ञ में 1 रुपया था उसमें, जब वो बैगरी फेस चला था। फिर एक बार चंद्रराज दादा को संकल्प सपने में आया कि ये बॉम्बे में थे, भेज दिया था ना सबको बाबा ने अलग अलग कि यज्ञ में पैसे नहीं है, तो वहां से वहां सिस्टर से 500-600 रुपए लेकर यज्ञ में भेजा। और उस दिन मंडे का दिन था, मतलब 0 ही था, उससे ही कुछ हुआ, लेकिन बाबा में हलचल और गम का नामो निशान नहीं। दादिया कहते हैं पता ही नहीं चला हमको बेगरी पे, तो उससे तो डाउन नहीं है ना हमारी स्टेज, ये वाली लेवल से तो इस लेवल तक तो कभी आई नहीं ना, गम करना चाहिए। ब्रह्मा बाबा भगवान, और क्या लेवल था बाबा का,
संपूर्ण आत्मा कैसी होती है। अच्छा जी,